अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, कीपैड वाला फ़ोन हो, या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर काम करते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो कैसे काम करता है हमारा मोबाइल फ़ोन, कैसे हाउ टू वर्क मोबाइल फ़ोन। तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन जो वो वर्क करता है। तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, आपको पूरा मैं पेज के ऊपर मैं बताऊंगा, और मैं आपको बोर्ड भी दिखाने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन का, जो मैं इसको खोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई भी फ़ोन का नंबर कोई भी डायल करते हो, तो सबसे पहले होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल फ़ोन है, एक नोकिया का और एक ओप्पो का A3s, जो मैंने दोनों को खुला हुआ है। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कीपैड वाला हो या टच फ़ोन हो, ठीक है, एंड्रॉयड हो, ठीक है, कोई भी हो उसका सॉफ्टवेयर, तो वो सेम ही मेथड से काम करते हैं। अब जब भी कोई भी नंबर डायल करते हो, तो होता क्या है, ये मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पे मेन आईसी लगा होता है। हर फ़ोन में जो मेन आईसी होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो PIC को बताता है, जो सिग्नल आईसी होता है। सिग्नल आईसी से करंट निकलता है, खारिज करता है अल्टीने के थ्रू, ठीक है, अल्टीना सिग्नल भेजता है, हमारा अल्टीना जो है वो सिग्नल थ्रो करता है, डिस्चार्ज करता है, जो हमारे आसपास वाला टावर होता है, ठीक है, हमारे एरिए के आसपास वाला टावर होता है, मोबाइल से आसपास वाले टावर पे सिग्नल, ठीक है, थ्रो करता है, ठीक है। और सिग्नल जो है वो टावर से जो टावर से होते हैं सिग्नल, वो थ्रो करते हैं जो नेक्स्ट जिस जहाँ पे भी आपने कॉल की है, वहाँ पे आपको आसपास वाले टावर से टावर सिग्नल थ्रो करता है कंट्रोल रूम में, कि जो भी कंपनी का जहाँ पे सर्वर पड़ा होगा, ठीक है, सर्वर पे वो थ्रो करता है सिग्नल, और सर्वर से आगे जो है वो थ्रो होते हैं आसपास वाले आपके टावर पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, टावर पे थ्रो होते हैं कंट्रोल रूम से, और कंट्रोल रूम से वापस जो है वो सिग्नल कंट्रोल रूम से टावर से सॉरी सिग्नल होते हैं कंट्रोल रूम पे दोबारा, ठीक है, दोबारा से थ्रो होते हैं, और कंट्रोल रूम से जिस भी सिटी में हमने कॉल की है, जिस भी बंदे को कॉल की है, उस मोबाइल के एरिया में जहाँ पे भी वो मोबाइल ऑन है, वहाँ पे टावर जो है वो टावर पे सिग्नल थ्रू होते हैं, और सिग्नल टावर से सिग्नल थ्रू होते हैं मोबाइल पे, जो हमारे मोबाइल चल रहा है जिस भी सिटी में या जिस भी एरिया में मोबाइल होता है, वहाँ पे जो है मोबाइल पे हमें बताता है। तो ये जो काम है इतना जल्दी स्पीड से होता है कि विद इन सेकंड जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और हम जो है वो कॉल सुन पाते हैं, ठीक है, कॉल जो है हम जो रिसीव कर पाते हैं, ठीक है, रिसीव होती है कॉल। तो इस तरह से हमारा जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो वर्क करता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, कोई और आपके मन में या आप सोच रहे हैं कोई सवाल आता है, तो वो जो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन या इस तरह का कोई मसला होता है तो आपको मैं ज़रूर सेंड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।